नमस्कार दोस्तों, साइंस स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? इसका आंसर होगा दोस्तों लाला अमरनाथ ने भारत की ओर से पहला टेस्ट शतक लगाया था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? इसका आंसर देखते दोस्तों 51%। ओके दोस्तों, 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है, कहाँ पर? भारत में। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? वो कौन सी मिट्टी है जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो वो मिट्टी है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में पाई जाने वाली जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो इसका आंसर होगा न्यूटन ने। ओके फ्रेंड्स, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए थे और गति के तीनों नियम भी इन्होंने ही दिए थे, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करा था। ओके फ्रेंड्स, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल जो कि जल परियोजना है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह होगा झेलम नदी पर। ओके फ्रेंड्स, झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल जल परियोजना। ओके फ्रेंड्स, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? इसका आंसर देखते हैं अहमदनगर की। ओके फ्रेंड्स, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की शासक थी। बीजक किसकी रचना है? तो वो होगा संत कबीरदास की रचना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? मतलब रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है भारत में, उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो उसका आंसर होगा कर्नाटक में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। ओके फ्रेंड्स, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट के द्वारा जो हम मैसेज भेजते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ईमेल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? वो है अरब प्रायद्वीप। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो होती स्थितिज ऊर्जा। ओके फ्रेंड्स, जब चाबी में घड़ी भर के रख देते हैं तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, तो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ओके फ्रेंड्स, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? ताजमहल की कॉपी बनाई थी प्रतिकृति। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पर? औरंगाबाद में। तो किसने बनाई थी? वो बनाई थी औरंगजेब ने। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पर बनाई थी? औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनाई थी ताजमहल की प्रतिकृति, मतलब ताजमहल जैसा ही फोटोकॉपी बना दी थी इसकी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।